खैर क्या हो अगर सारे एवेंजर्स एलिजाबेथ एरा में पहुंच जाएं, यानी कि 16वीं सदी में पहुंच जाएं। खैर तो भाई यही हुआ था आज के एपिसोड में। तो भाई व्हाट इफ सीजन 2 का एपिसोड आ चुका है और एपिसोड का नाम था व्हाट इफ एवेंजर्स असेंबल्ड इन 1602। खैर ये वाला एपिसोड और एपिसोड के मुकाबले थोड़ा सा मैसी था। खैर इस एपिसोड को समझने के लिए मुझे दो बार देखना पड़ा क्योंकि चीजें पल्ले नहीं पड़ रही थी, मैंने कही चलने दो। दूसरी बार में सही समझ में आ गया और कुछ चीजें भी पता चलती हैं। खैर मैं तुम्हें बता दूं कि व्हाट इफ कैप्टन कार्टर फॉट हाइड्रन स्टॉपर वाले एपिसोड के लास्ट में कुछ ऐसा हुआ था कि भाई एक रेड पोर्टल खुला था जिसमें कैप्टन कार्टर चली जाती है और वॉचर को देखकर यही लग रहा था उसको भी आइडिया नहीं है ये क्या हो रहा है। खैर उसके बाद पता चला कि वांडा यानी स्कारलेट विच ने डिफरेंट यूनिवर्स से एक वॉरियर को बुलाया है ताकि वो अपनी क्वीन को बचा सके, अपने यूनिवर्स को बचा सके। तो हाँ, तो देखा जाए तो स्कारलेट विच किसी को भी बुला सकती थी, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि कैप्टन कार्टर ही उनके सर्वाइवल की है। खैर तो मैं तुम्हें सीधा सीधा बता दूं हो क्या रहा है। 21वीं सदी का टाइम और 1600 ईस्वी का टाइम दोनों एक हो गए हैं, जिसकी वजह से भाई जो एनवायरनमेंट है, जो माहौल है, वो 1600 ईस्वी का है और जो लोग हैं वो भाई 21वीं सदी के हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। और इसी अनोमली के चलते इनका यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो रहा है क्योंकि ये रियलिटी अब एक्सटेंड हो रही है। खैर यहाँ पर इस यूनिवर्स में विलन और हीरो सब देखने मिलते हैं और इसका ईयर है 1602। खैर अपन सीधे एपिसोड पे चलते हैं कि भाई एपिसोड की स्टार्टिंग होती है लोकी से, जो कि नाटक वाटक कर रहा है और यहाँ पर तुमको हेला द क्वीन दिखती है, थॉर भी दिखता है और ये तीनों भाई बहन एक साथ मिलकर रह रहे हैं। डेफिनेटली रॉन्ग रियलिटी है ये। खैर वहाँ पर एक स्टॉर्म आता है जिसमें ये स्टॉर्म लोगों को खींच लेता है। तो भाई सबसे पहले वो लोकी को खींचता है जिसमें लोकी के हाथ में एक स्कल था और उस स्टॉर्म पोर्टल के अंदर लोकी का हाथ चला जाता है जिसके अंदर वो स्कल भी आधा जा चुका होता है, लेकिन तभी कैप्टन कार्टर उसको बचा लेती है। अब ये स्कल का मामला क्या है मैं आगे बताऊंगा। खैर उसके बाद द क्वीन द हेला ऊपर खींचने लगती है जिसको भाई कैप्टन कार्टर बचाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन बचा नहीं पाती है, जिसकी वजह से थॉर को लगता है कि भाई कैप्टन कार्टर कर्स्ड है, इसकी ही वजह से यह सब कुछ हुआ है। देखो भैया थॉर का जो दिमाग है वो ठिकाने पे नहीं है। खैर जिसकी वजह से कार्टर को वहां से भागना पड़ता है, लेकिन वो भागने से पहले लोकी से वो स्कल ले लेती है और ये स्कल की बहुत अच्छी कहानी है। खैर वो वहां से बच के तो निकल जाती है। खैर यहाँ पर फिर वॉचर के नैरेटिव स्टाइल में पता चलता है ये यूनिवर्स निपटने वाला है, तभी उन्होंने कैप्टन कार्टर को बुलाया है और स्कारलेट विच को लगता है कि कैप्टन कार्टर ही है जिसकी वजह से हमारा यूनिवर्स बच सकता है, क्योंकि भाई स्कारलेट विच किसी को भी बुला सकती थी लेकिन उसने कैप्टन कार्टर को ही चुना है क्योंकि वो मैजिक यूज करती है और उसने कुछ तो ऐसा देखा है। खैर यह पता चला कि वॉचर की स्टोरी टेलिंग की बात है कैप्टन कार्टर भी सुन रही थी, तो वो वॉचर को टोक देती है और कहती है मैं सब सुन सकती हूँ तेरी बातें, और कसम से भाई वॉचर की शकल देखो कितना कंफ्यूज लग रहा है। खैर वो उसको एक हाथ देता है और कहता है चलो कार्टर तुमको तुम्हारे यूनिवर्स में छोड़ देता हूँ, जिस पर वो मना कर देती है। वो कहती है कि नहीं, इस यूनिवर्स को ठीक करके ही जाऊंगी। खैर उसके बाद यहाँ में वांडा फ्यूरी थॉर हैप्पी योगन बातचीत करते मिलते हैं। यहाँ पर ये लोग पता करना चाह रहे हैं कि ये स्टॉर्म क्यों आ रहा है। खैर यहाँ पर स्कारलेट विच ने बताया कि एक बंदा है जिसकी वजह से सारे काम हो रहे हैं, एक बंदा है जो फ्यूचर से आया है लेकिन वो भी एक लॉस्ट ट्रेवलर है, अभी मतलब एक फॉररनर है जो कि अपने टाइम से बहुत पीछे है। तो भाई उस बंदे को ढूंढना है तभी सब कुछ सही हो पाएगा, क्योंकि वो बंदा 21वीं सदी से बिलोंग करता है ना कि 16वीं ईस्वी से, और देखा जाए तो वही पहला बंदा था जो इस रियलिटी में आया था। इसमें भाई ये सारी बातें कार्टर भी सुन रही थी और फ्यूरी और वांडा को देखकर ऐसा लगता है कि वो सीक्रेटली भाई कैप्टन कार्टर की मदद कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूरी वांडा को लगता है कैप्टन कार्टर ही बचा पाएगी। यार उसके बाद कार्टर टोनी पे जाती है जो कि एक इन्वेंटर है। ऑफ कोर्स भाई टोनी इन्वेंटर ही है यार। खैर अब वो स्कल की बात बताता हूँ। वो उसको स्कल दे देती है जो कि लोकी उस स्टॉर्म में ले गया था, जिसके अंदर से उसके कुछ पार्टिकल्स पे पड़ चुके हैं। तो माइक्रोस्कोप से देखने में पता चला इसमें एक एनर्जी है जो कि रेडियो एक्टिव है और यहाँ पर इसका कलर ग्रीन था। ग्रीन कलर मतलब समझ गए, टाइम स्टोन से रिलेटेड था। खैर पूरा एपिसोड टाइम की हेरा फेरी में ही घूमता रहता है। खैर इनका प्लान ये है कि अब फॉररनर को ढूंढना है, तो जो उसकी एनर्जी है और जो स्कल के ऊपर जो एनर्जी लगी है वो दोनों सेम है, तो हमको इस एनर्जी की मदद से उस एनर्जी को डिटेक्ट करना है, तो हमें पता चल जाएगा कि फॉररनर कौन है और हम इस यूनिवर्स को ठीक कर पाएंगे। खैर इसके लिए वो मशीन बनाना चालू कर देता है, लेकिन जिसके लिए पावर सोर्स चाहिए और इस यूनिवर्स में सिर्फ अभी एक ही पावर सोर्स नजर में है, वो है थॉर का स्पेक्टर जिसमें भाई टाइम स्टोन लगा हुआ है। जिसके बाद कार्टर चोरों को ढूंढने निकल जाती है, क्योंकि भाई चीज चोरी करनी है चोरों को ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर स्टीव रॉजर बकी एंटमैन तीनों चोर है। यहाँ ये लोकी को खजाना चुरा रहे थे। खैर यहाँ पर स्टीव पैगी को देखता है, वही भाई प्यार भरी बातें होती है, क्या नाक नक्शा है, मैं अच्छा हूँ आप कैसी है। खैर उसके बाद लोकी वहां से मौका दे भाग जाता है। खैर उसके बाद एक ट्री के ऊपर पैगी और स्टीव दोनों बैठकर बात करते हैं, स्पेक्टर छड़ी चुरानी है। खैर इनकी बातों के बीच ही एक येलो सूट वाला बंदा आता है, फिर बहुत सारे बंदे आते हैं और भाई पता चला कि नीचे हैप्पी योगन खड़ा है पूरी येलो जैकेट आर्मी के साथ, जिसको तुमने एंटमैन 1 में देखा ही था। खैर यहाँ पर बड़ी धमाकेदार लड़ाई होती है और पूरी लड़ाई होने के बाद यहाँ पर सीधे डिस्ट्रॉयर आता है जो कि भाई थॉर 1 मूवी में देखा था। जिसके बाद भाई कैप्टन कार्टर के कहने पर स्टीव एंटमैन बकी रिट्रीट कर लेते हैं, लेकिन कार्टर सरेंडर कर देती है। जिसके बाद पैगी के पास वॉचर आता है, वो कहता है अभी भी टाइम है निकल लो इस यूनिवर्स से, लेकिन पैगी को उम्मीद थी मैं फॉररनर को ढूंढ लूंगी और सब कुछ फिक्स कर दूंगी। खैर वो वॉचर से पूछती है कि तुझे तो पता होगा
रनर कौन है? वो कहता है जो यूनिवर्स मिटने वाला होता है उसके इवेंट में नहीं देख पाता हूँ। वो कहता है दिस वर्ल्ड इज डेस्टिन टू डाई। खैर वॉचर ये भी कह देता है कि अगर तुम सब कुछ सही करने जा रहे हो, क्या हो अगर सब कुछ तबाही हो जाए, लास्ट मोमेंट पे यूनिवर्स पूरा उड़ जाए, क्या हो सब कुछ ठीक करने के बाद तुम ही यहाँ पर फंस के रह जाओगी। खैर कार्टर कुछ नहीं सुनती और वो वहाँ से आजाद हो जाती है। खैर वो सीधे ब्रूस बैनर के प्रिजन में जाती है जिसको भाई शांति पसंद है और अगर तुम उसकी शांति भंग करोगे वो तुमको भंग कर दे, जिसमें भाई कार्टर की वजह से वो हल्क में फाइनली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद भाई कैप्टन कार्टर उसकी पीठ पे बैठ के ही वहाँ से फरार हो जाती है। खैर यहाँ पर दूसरी तरफ टोनी ने मशीन रेडी कर ली है, बस अब टाइम स्टोन लगाना है, जिसके बाद भाई स्टीव भी वहाँ आ जाता है। ये सब मिलकर थॉर की सभा में जाते हैं। यहाँ पर भाई स्टॉर्म फिर से आ जाता है जहाँ वांडा उसे स्टॉर्म को रोक रही होती है, जिसके बाद हैप्पी योगन विद येलो जैकेट इन सबसे लड़ने लगता है। खैर स्टीव हैप्पी योगन से लड़ रहा था, उसी बीच उसकी टोपी कट जाती है, जिस पर भाई होगन बड़ा ही गुस्सा हो जाता है और भाई वो गुस्से में बन जाता है हल्क होगन, जिसको तुमने भाई हैप्पी योगन वाले एपिसोड में देखा था, कहता नीला हल्क बन गया था। खैर उसके बाद हल्क वर्सेस हल्क होगन भी होता है। यहाँ पर थॉर कार्टर से फाइट करता है, जहाँ वांडा थॉर को रोक लेती है और फ्यूरी भी कार्टर की मदद करता है, जिसके बाद भाई टोनी अपनी मशीन ले आता है, फ्यूरी स्पेक्टर टोनी को दे देता है। टोनी स्पेक्टर छड़ी से टाइम स्टोन निकाल कर उस मशीन में लगा देता है। खैर अब यहाँ पर ये देखो वांडा एक हाथ से उस स्टॉर्म को रोक रही है, एक हाथ से थॉर ओडिनसन को रोक रही है। कितनी पावरफुल है यार ये, तूफान के नेता को रोकना बड़ी बात है। जिसके बाद कार्टर मशीन चला देती है और फाइनली एक तरह का गॉन्टिलेट पहन लेती है जिसमें टाइम स्टोन लगा हुआ था, और वो एनर्जी ब्लास्ट होते ही हमें फॉरनर पता चल जाता है वो है स्टीव रॉजर। तो यहाँ पर पता चला कि भाई किसवीं सदी में अपना थैनोस वकांडा आया था, जहाँ पर स्टीव पे वही अपनी शील्ड थी नुकीली वाली जो कि वकांडा वालों ने दी थी। तो जब उसने थैनोस पे पहला वार करा तो उसकी स्ट्राइक से टाइम स्टोन निकल जाता है, जिससे भाई स्टोन से छिटकानी करने पे एक रियलिटी बन जाती है। यहाँ पर उस समय का टाइम और 1600 ईस्वी का टाइम दोनों मिक्स हो जाता है, जिसके बाद थॉर को समझ में आ गया था कार्टर सही कह रही थी। खैर उसके बाद कार्टर ये करना नहीं चाहती थी क्योंकि वो एक बार फिर से स्टीव को नहीं खोना चाहती थी। भाई कार्टर की लाइफ ऐसी है कि घूम फिर के स्टीव पे आके रुक जाती है और हमेशा उसको वो छोड़ना पड़ता है। तभी तो कहते हैं द हार्डेस्ट चॉइसेस रिक्वायर द स्ट्रॉन्गेस्ट विल। काम खत्म कर देती है, रिसेट कर देती है सब कुछ, जिसके बाद अगले ही पल में पूरा दरबार खाली और वो 1602 ईस्वी में फंस जाती है क्योंकि अब उसको वॉचर भी वहां से नहीं निकाल सकता। खैर यहाँ पर हमको सरप्राइज मिलता है, सुप्रीम स्ट्रेंज इज हियर भाई साहब, और मैं सोच ही रहा था यार यही बंदा आने वाला है। खैर यहाँ पर लिख के आता है टू बी कंटिन्यू। खैर उसके बाद ये एपिसोड खत्म। खैर भाई कल के एपिसोड में क्या हो सकता है अपन देख लेते हैं, अपन पे कुछ क्लिप्स हैं उसके बेस पे अपन कुछ ना कुछ तो देख ही लेते हैं। अब क्या रह गया है? तो भाई ये रॉकेट वाला सीन अभी तक नहीं आया है, जिसके पीछे का बैकग्राउंड तुम देख सकते हो ग्रीन है और यहाँ पर तुमको हेला की डेड आर्मी जैसा फील हो रहा है। खैर यहाँ पर डॉक्टर शिन की एंट्री होती है और इसका बैकग्राउंड भी ग्रीन है, तो ये दोनों लड़ाई एक ही जगह हो रही है। खैर किलमोंगर भी दिखा जो कि सीजन 1 में दिखा था, जो कि भाई स्ट्रेंज के द्वारा बनाए गए पॉकेट डायमेंशन में कैद था, अब कैसे बाहर आया पता नहीं, और उसका पीछे भी बैकग्राउंड ग्रीन है। खैर यहाँ पर कहोरी और कार्टर दोनों एक साथ दिखती है और वहाँ पर थैनोस भी आ जाता है। फिर आता है ये सीन, अब क्या हो रहा है पता नहीं, यहाँ कार्टर खड़ी है शायद कोई ग्रीन तलवार लेके। खैर भाई लास्ट एपिसोड के लिए बहुत एक्साइटेड है। खैर तुम बता देना तुमको ये वीडियो कैसी लगी भाई, कल का वेट नहीं हो रहा है। तो भाई मिलते रहेंगे।